जी, सबसे पहले तो हमें जो सिरसा में हमारा पिछले तकरीबन 5 और 6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था और जो वहां पर आज हुआ उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको काफी नजदीक से देखा है और वहां पर रहे हैं आप, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वहां पे सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का वहां की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे हमारे किसान भाइयों ने और युवा साथियों ने उनको काले झंडे दिखाए थे और काले झंडे दिखाने पर हमारे किसान भाइयों के खिलाफ 2 हमारे नामजद साथी थे और करीब करीब 100 लोगों के ऊपर राजद्रोह की धारा और 307 की धारा के संगीन धाराएं लगा करके मुकदमे दर्ज किए गए थे। और अगले ही दिन 15 जुलाई को हमारे 5 साथियों को गुंडागर्दी करके अवैध तरीके से घरों से पुलिस द्वारा उठाए गए थे। और ये जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पे जो हमला हुआ था, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित था, जिसमें ये तथाकथित हमले में करने वाले उन्हीं के लोग थे, लेकिन वो इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए थे। और उसके बाद फिर 17 तारीख को वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तमाम सिरसा के और हरियाणा भर से वहां हजारों लोग जुटे थे भगत सिंह स्टेडियम में, और एक मीटिंग वहां प्रशासन के साथ हुई थी जिसमें डीसी और एसपी थे, और उनसे हमारा एक ही सवाल था कि काले झंडे दिखाने पर 307 कैसे लग सकती है, काले झंडे दिखाने पर राजद्रोह कैसे लग सकता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने एक ही बात कही, जो वीडियो फुटेज दिखाई उससे भी कहीं ये साबित नहीं हो रहा था कि भाई हमारे किसी साथी ने पत्थर मारे, शीशा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन मारे किसने ये दिखाई नहीं दे रहा था। और अंत में प्रशासन की तरफ से यही बात थी कि हमने जो करना था वो कर दिया, अब जुडिशरी इसको देखेगी कि आप सही हैं या हम गलत हैं, या हम सही हैं या आप सही हैं, इसका फैसला जुडिशरी करेगी। लेकिन मोटे तौर पर, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे निर्दोष भाई थे जिनको गिरफ्तार किया गया, ये मुकदमे पूरी तरह से खट्टर सरकार के दबाव में और दुष्यंत चौटाला जी के दबाव में ये मुकदमे बढ़ाए गए थे और सिरसा का प्रशासन एक कठपुतली बन के काम कर रहा था। उसके बाद वहां से कूच किया लघु सचिवालय की ओर, और जहां पुलिस ने पूरे सिरसा को छावनी में तब्दील कर रखा था, किलेबंदी कर रखी थी लघु सचिवालय की, हम एसपी ऑफिस के घेराव के लिए निकले थे अपने नेताओं के नेतृत्व में, लेकिन जहां रोका वहीं मेन सड़क के ऊपर वहां मोर्चा लग गया। और करीब करीब ये फैसला हुआ, क्योंकि ये 17 तारीख थी, 17 तारीख को वहां मोर्चा लगा लघु सचिवालय के सामने, और 18 तारीख से संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला हुआ, और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह सिरसा जी, वो जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठे और ये बात कह करके बैठे कि या तो मेरी विदाई होगी और या युवा किसानों की रिहाई होगी। और 5 दिन चले संघर्ष में, क्योंकि तमाम हरियाणा के किसान वहां मजबूती देने का काम कर रहे थे, हमारे युवा साथी बहुत ताकत के साथ लगे हुए थे, सिरसा के जो हमारे भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, लखविंदर जी, और तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, आप देख रहे थे बीपी बहुत डाउन आ गया था, शुगर लेवल बहुत कम सिरसा जी का जो है, वजन भी कई किलो टूटा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आज एक तरफ किसान संसद
देश में चली है संसद के निकट, जो आज तक का एक इतिहास बना है, ये पहली बार हो रहा है। तो दूसरी तरफ हिसार के बाद, टोहाना के बाद एक और इतिहास आज के ऐतिहासिक दिन में जुड़ा है कि जो साथी गलत तरीके से जेल में डाले गए थे और जो सिरसा जी ने 5 दिन का आमरण अनशन किया और वहां 6 दिन का संघर्ष चला, उसकी एक बड़ी जीत हुई है और हमारे सभी साथियों को बिना किसी शर्त के रिहाई करनी पड़ी है, उनकी जमानत नहीं हुई है। मैं एक बात आपके माध्यम से ठीक कर दूं, कुछ लोग ये चला रहे हैं कि जमानत करवाई है, हमने कोई जमानत नहीं करवाई, ये हम आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बोल रहे हैं, हमारे साथियों की रिहाई हुई है। वो जो भी करवाया है वो सरकार जाने या प्रशासन जाने, लेकिन हमारी तरफ से कोई जमानत नहीं ली गई। तो इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से जो है पूरी हमारी किसान एकता मोर्चा की टीम, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे वहां के सारे संगठन, तमाम जो हमारे साथी इस मुहिम में लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। हमारे जो रिहा हुए साथी हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं कि सबके संघर्ष से वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं और फिर से आंदोलन में पूरी ताकत के साथ जुटेंगे। जी रवि जाट जी, ये तो आपने बता दिया जी, ये काफी चल रहा था कि जो किसान हैं इन्होंने बोला था कि हम जमानत नहीं करवाएंगे और अपने साथियों की रिहाई करवाएंगे जी, और ये काफी चर्चा चल रही थी कि किसानों ने उनकी करवाई जमानत जी, इसमें क्या सच है, ये थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। ऐसा है भाई साहब कि हमारा मुद्दा यही था कि हम देखिए, जमानत तो अगर हमें करवानी होती तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, अगर जमानत करवानी होती तो फिर सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी। हमारी तरफ से वहां सिरसा जी वहां अनशन पर बैठे सारे साथी, क्योंकि लगातार आप भी इसकी कवरेज कर रहे थे, तो हमारी तरफ से कोई भी जमानत वहां के कोर्ट में नहीं लगाई गई और हमारी मांग यही थी कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए और आज शाम को उनकी रिहाई हुई है। ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी जमानत नहीं ली गई। अब जमानत हुई है या नहीं हुई है वो चीज प्रशासन जाने, क्योंकि आपको ध्यान होगा टोहाना वाले मामले में कि हमारी किसी ने जमानत नहीं ली थी और बाहर ये खबर चलाई गई थी कि जमानत पे रिहा हुए हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता और हम खुद पूछ रहे थे, हमारे साथी हमारे परिवार के लोग वो खुद ये कह रहे थे कि भाई हमने तो कोई जमानत ही नहीं लगाई। तो इसी तरह से ये एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो आईटी सेल है या जो सरकार द्वारा समर्थित लोग हैं उन द्वारा फैलाया जा रहा झूठ है कि हमने जमानत ली है। सिरसा में कोई जमानत किसी भी साथी की नहीं ली गई जी। रवि जाट जी, ये तो बात बहुत विस्तार से हमारी हो गई जी सिरसा के प्रोटेस्ट को लेकर जी। आज के किसान सांसद के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान संसद जो है आज पहली बार, एक तरफ मानसून सत्र में सरकार का सत्र चल रहा तो दूसरी तरफ संसद के निकट किसानों का सत्र चल रहा है, और आप ये देखेंगे कि सरकार का सत्र ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमारा पहला दिन सफलतापूर्वक चला है और आज जो चर्चा वहां पे हुई है, क्योंकि जो सरकार 8 महीने से हमारी बात को नहीं सुन रही, हमारे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं,
देश की संस्थाएं लगातार बेची जा रही हैं, देश में गुंडागर्दी चल रही है। आप देखिए जो न्यूज़पेपर है, भास्कर है या भारत समाचार है, उनके रेड की जा रही है उनके ऊपर। सेना की जमीन बेचने के कानून लाए जा रहे हैं संसद के अंदर। तमाम तरह की आप देखिए जासूसी कांड में पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हुआ है। तो दूसरी तरफ जो 8 महीने में सरकार हमारी काले कानूनों को रद्द करने की बात नहीं सुन रही, एमएसपी के कानून के ऊपर बात नहीं सुन रही, तो हमारे पास एक ये बड़ा कदम और बड़ा रास्ता था। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने हिदायतें जारी की, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा प्लान तैयार किया, हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि आज की जो 200 की संख्या है और आज एक दिन का जो किसान संसद है, उसने मोदी सरकार की चूल्हे हिला करके रख दी है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था थी, जैसे यहां किसान नहीं आ रहे, यहां आतंकवादी आ रहे हैं, आतंकवादियों की तरह उनकी चेकिंग हो रही है। सरकार को इतनी फोर्स और इतनी ताकत अगर वो चीन की सीमा पे लगाती तो फिर चीन हमारे देश में पैर नहीं रख पाता। लेकिन किसानों के साथ जो सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी बजाय उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बदमाशों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, यानी कि मीडिया पे भी पहरा। तो मैं इस बात को इस तरह से देखता हूं कि आज का जो किसान संसद है वो एक ऐतिहासिक कदम है, और जितने दिन सत्र चलेगा उतने दिन किसान संसद चलेगी, और ये ऐतिहासिक आंदोलन में एक ऐतिहासिक पल जुड़ा है। या तो मोदी सरकार जाग जाए, और अन्यथा आज मेरे पास कुछ लाइनें आई हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से आज जो हालात थे, केवल 200 किसान, अगर ये 2000 होते, ये 2 लाख होते या 20 लाख होते तो फिर क्या हालात होते। और किसी ने मेरे पास लाइन भेजी है कि सिर्फ 200 निहत्ते किसान, वो 200 किसान सिर्फ 200 किसान ही थे जो गूंगी बहरी सरकार तक 8 महीने से दबी अपनी आवाज को सुनाने चले थे। निहत्थे सिर्फ आवाज को हथियार बनाकर केवल 200 किसान थे। पुलिस प्रशासन और मिलिट्री से लैस तुम्हारी मजबूत सरकार डर गई निहत्थे सिर्फ 200 किसानों से, और बना डाला राजधानी को छावनी, चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी पुलिस मिलिट्री। होश में आ जाओ हुक्मरानों, जब ये 200 निहत्थे किसान 2000 होंगे, फिर 20 लाख होंगे, फिर 2 लाख होंगे, तब तख्त उजाड़े जाएंगे तुम्हारे, तब ताज उछाले जाएंगे तुम्हारे, तब धरी रह जाएगी तुम्हारी छावनी, मुंह ताकती रह जाएगी तुम्हारी पुलिस मिलिट्री, और बदल जाएगी तुम्हारी शोषण पर खड़ी ये व्यवस्था। और पुनः मैं पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का और आज जो हमारे नेतागण हमारे सारे साथी शामिल हुए, और सबसे बड़ी बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये अनुशासनहीन लोग हैं, आज हमने ये दिखा दिया कि हम कितने अनुशासित हैं, कितने संयमित हैं, ये आंदोलन कितना शांतिपूर्वक है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं, पूरा देश हमारी तरफ उम्मीदों भरी नजर से देख रहा है, क्योंकि ये केवल काले कानूनों की लड़ाई नहीं है, ये केवल एमएसपी की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये फसल को, नस्ल को, जमीन को, जमीर को, और लोकतंत्र को, संविधान को, और आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय किसान।